सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जॉब ज्ञान। तो आज मैं आपको जो वैकेंसी की अपडेट बताने वाला हूँ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण ये अपडेट है। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और यहाँ पे मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कैसे कैसे आपको अप्लाई करना होगा, सब डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यार सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, जरूर से सब्सक्राइब कर लेना यहाँ से, और घंटी का जो बटन है ना भाई, ये आल पे प्रेस करके रखना ताकि जब भी कोई हमारी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे टाटा स्टील के द्वारा यहाँ पे जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकेंगे और साथ ही साथ इसमें जो है अगर आपके पास किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के ना, आपको क्या करना है, अपनी योग्यता को डाल देना है, ठीक है, अपनी क्वालिफिकेशन को वहाँ पे डाल देना। अब जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस होगी हमें वहाँ पे पता चलता रहेगा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो आपको एक नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा कनेक्ट विद मी का। अब जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे हमारे सामने, आपके सामने इस तरह का जो पेज है वो खुल के यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब जो भी आप प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म से जाकर के हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सअप चैनल हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है, ट्विटर, फेसबुक वगैरह, जिस प्लेटफॉर्म को भी आप यूज कर रहे हैं उससे जाकर के हमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें वहां पे जाकर के हम डायरेक्टली फॉलो भी कर पाएंगे और हमारे टेलीग्राम का जो पेज है उससे जाकर के भी डायरेक्टली आप जुड़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पे टाटा स्टील के द्वारा ये न्यू नोटिफिकेशन निकाला गया है। आपको यहाँ पे 1,000 से ज्यादा यहाँ पे जो पद हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है इसमें परमानेंट जॉब्स का ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसमें सैलरी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 35,700 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको सैलरी जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। एंड इसमें जो लास्ट डेट है उससे पहले अगर आपने फॉर्म भर लिया भाई तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। सभी डिटेल्स को मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा और यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यार अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसी भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये रिसेंटली वैकेंसी यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है, ठीक है। तो जल्दी से जा करके यहाँ पे आप पूरी डिटेल्स को चेकआउट कर लेना। बात करेंगे इसकी कुछ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में, उस इसकी जो इंपोर्टेंट बेसिक डिटेल्स है उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे टाटा स्टील ITI रिक्रूटमेंट 2024, जिसमें न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है लेटेस्ट वैकेंसी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे आपको देखने को भी मिल जाएगी। एंड इसमें जो है यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से भी आपको पूरी जानकारी जो है वो देखने को मिलेगी कि इसमें कितने पोस्ट निकाले गए हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो एक बार यहाँ पे जो है जरूर से चेकआउट कर लेना। बात करेंगे इसके कुछ इंपोर्टेंट डेट्स और इंपोर्टेंट बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टोटल पोस्ट, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, पे स्केल एंड इसकी लास्ट डेट, सभी के बारे में हम यहाँ पे बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, पूरा वीडियो में अंदर बताएंगे हम। तो आपको कैसे अप्लाई करना है ये भी जानकारी हम बताएंगे। तो यार अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया जरूर से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करेंगे यहाँ पे टाटा स्टील के द्वारा जो पोस्ट निकाली गई हैं, इसमें देख सकते हैं काफ़ी सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर की है, सीनियर मैनेजर, सप्लाई चेन, रिसर्च ग्रुप मैनेजर, हेड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ठीक है, एंड अदर्स। यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स जो हैं और भी वैकेंसी की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और बात करेंगे यहाँ पे एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम एज आपको यहाँ पे जो है 18 वर्ष देखने को मिलेगी, मैक्सिमम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 वर्ष आपको एज देखने को मिलेगी। अप्लाई मोड की हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन करना होगा वो यहाँ पे ऑनलाइन के ही माध्यम से आपको करना है, जो फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन के माध्यम से ही फॉर्म भरना होगा। बात करेंगे इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आपने देखिए यहाँ पे जो है ऑल कैंडिडेट शुड हैव पास्ड एज पर नोटिफिकेशन योर क्वालिफिकेशन, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपने 10th ITI डिप्लोमा या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो जो पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं, ये जो बहुत सारी पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपको कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी, जो यहाँ पे देख सकते हैं पे स्केल दे रखी है, तो पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे आपने इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है
कि यहाँ पे सैलरी जो स्टार्टिंग में 35,700 से लेकर के 65,700 रुपये पर मंथ तक आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट्स के लिए। बात करें इसमें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पे देखिएगा जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे निल कोई फीस नहीं है। एससी एसटी फीमेल के लिए भी यहाँ पे कोई फीस नहीं है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। एज रिलेशन की बात करें हम, तो यहाँ पे जो देख पाएंगे, और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 10 ईयर है, एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5 ईयर है, और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 3 ईयर आपको जो एज रिलेशन है वो आपको देखने को मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं बेस्ड ऑन इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। एंड इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि रूम्स की व्यवस्था, ठीक है, यहाँ पे आने जाने की सुविधा, और भी कई सारे यहाँ पे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। इम्पोर्टेंट डेट्स की हम बात करें, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगी 2 फरवरी 2024, इसकी लास्ट डेट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसमें दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई की, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो चलिए मैं आपको इसका जो अप्लाई का प्रोसेस है ना, वो आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पर आना है, और गूगल पर आओगे, गूगल पर आने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपको सर्च बार का ऑप्शन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सर्च बार के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टाइप करना है ऑनलाइन जॉब तक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ऑनलाइन जॉब तक। एंड मैंने यहाँ पे जैसे ही सर्च किया, सर्च करने के बाद आप देख पाएंगे आपको यहाँ पे सबसे पहले ये जो टैब दिख रही है ना भाई, www.onlinejobtak.online, ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो फाइल वाली टैब है ये खुल के यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टाटा स्टील ITI रिक्रूटमेंट 2024। आपको सिंपली इस पर टैप करना है, टैप करने के बाद जो मैंने आपको बेसिक डिटेल्स बताई थी वो बेसिक डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको आवेदन करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नीचे आना है, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लिंक दिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं अप्लाई लिंक है, डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक है, और ये मेरे यहाँ पे प्रीमियम टेलीग्राम का लिंक है। तो प्रीमियम टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो भाई ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्क फ्रॉम होम और डायरेक्टली आप HR से कॉन्टैक्ट करके अपनी नौकरी को यहाँ पे जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं 1 मंथ के लिए 49 रुपये का ये आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको प्लान्स दे रखे हैं, जो कि आप देख सकते हैं सस्ते प्लान आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप जल्दी से अपने नज़दीकी सिटी में जॉब पाना चाहते हैं, तो भाई जल्दी से प्रीमियम जॉब को प्रीमियम टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे देखिएगा आपको अप्लाई लिंक, आपको क्या करना है, अप्लाई लिंक के सामने आपको क्लिकर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिकर पे क्लिक करोगे आपके सामने ये देख सकते हैं बहुत सारी जो वैकेंसी हैं ये ओपन हो जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये काफ़ी सारी वैकेंसी जो हैं आपके सामने ओपन हो चुकी हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो वैकेंसी दे रखी है देख सकते हैं यहाँ पे मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, असिस्टेंट मैनेजर की, हेड ऑपरेशन मैनेजमेंट की, ठीक है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल ऑफिसर की, एंड यहाँ पे काफ़ी सारी जो वैकेंसी हैं वो देखने को मिल जाएंगी। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आप कोई भी वैकेंसी के लिए उठा करके देख लीजिए। इसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन को देखना है। तो क्वालिफिकेशन कैसे देखना है, देखिए यहाँ पे आपको आपको जो वैकेंसी देखने को मिल रही है असिस्टेंट मैनेजर की, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपको इसकी जो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, कि इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, और इसमें जो आपकी शैक्षिक योग्यता है यानी क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अगर आपने BE या फिर BTECH कर रखा है मैकेनिकल सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे अप्लाई बटन दे रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे, एंड आपके सामने ये जो फॉर्म है वो खुल के ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपने क्या करना है, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका अपना नाम दे देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई आपका मिडिल नेम हो तो मिडिल नेम दे सकते हो, लास्ट नेम हो तो यहाँ पे लास्ट नेम दे सकते हो। एंड आपको क्या करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। ईमेल आईडी डालने के बाद में आपको जो है यहाँ पे उसके बाद में आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा कॉन्टैक्ट नंबर का, तो भाई यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर को दे देना है, ठीक है, जो कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो, कॉन्टैक्ट नंबर देना। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को दे देना है, ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। उसके बाद यहाँ पे जेंडर मेल है फीमेल है, ठीक है, कैटेगरी जनरल ओबीसी जिस कैटेगरी में भी आते हो। अब यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स है,
करंट सीटीसी क्या है आपका, टोटल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो दे देना है, नहीं है तो यहाँ पे 00 पे ही क्लिक कर देना है, ठीक है। रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप उसको भी यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। कितने मंथ्स का है, कितने ईयर का है, ठीक है ना, ये भी आप यहाँ पे डिटेल्स में पूरी जानकारी दे सकते हैं। तो अगर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप उसको भी यहाँ पे दे देना होगा। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको देखिए करंट एनुअल सीटीसी, ठीक है, तो करंट एनुअल सीटीसी आप देना है यहाँ पे, नोटिस पीरियड्स उसके डे में आपको देना है। एंड अगर आप यहाँ करंटली काम कर रहे हैं इस कंपनी में तो भाई इसकी डिटेल्स दे सकते हो। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, या फिर आपने जो भी पीएचडी वगैरह कर रखा हो उसको दे दीजिएगा। तो मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन की डिटेल देना है। टाइप ऑफ कोर्स आपने फुल टाइम किया, पार्ट टाइम किया, उसको देना है। यहाँ पे एक रिज्यूम को अपलोड करना है तो मैं यहाँ पे एक रिज्यूम को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपको एडिशनल सर्टिफिकेट्स, ठीक है, उसके एडिशनल सर्टिफिकेट में आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना यहाँ पे नेम दे देना है, ठीक है। नेम देने के बाद आपको इस पर टिक करना है एंड सबमिट एप्लीकेशन बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है भाई। तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट यहाँ पे हो जाएगा। कुछ स्टेप्स और भी आपको आगे देखने को मिलेंगे, उसके बाद आप प्रिंटआउट भी निकाल सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी समझ आ गई होगी यार। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लेना, और जिस प्लेटफॉर्म को अभी आप यूज़ कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को हमसे जाकर के कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर से जाकर के ज्वाइन कर लेना। मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।